सब्सक्राइब कीजिए SDST चैनल को, बेल आइकॉन दबाकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखिए सबसे पहले। स्वागत है दोस्तों आपका SDST में फिर से एक बार। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों, मतलब ये वीडियो बहुत मतलब कॉलेज लोगों को, मतलब कॉलेज जो पढ़ते हैं उनके लिए, मतलब कॉलेज बोल के नहीं, किसी भी आदमी को जरूरत पड़ सकती है। मतलब आपके किसी भी, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से आपके मोबाइल से स्कैन कर दूसरी तरफ भेज सकते हैं दोस्तों। जब ये बात आती है तो कभी मतलब कहीं और रहते हैं, कहीं अपने फ्रेंड्स को या अपने फैमिली वाले को, मतलब किसी भी एक डॉक्यूमेंट्स को, आपकी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत पड़ती है, तो आप क्या करते हैं, कहीं पर भी बाहर जाकर स्कैनर जहाँ होता है, स्कैनर करके उसे 10-20 रुपये देकर स्कैनर करके उनके ईमेल पर सेंड कर देते हैं। तो घर बैठे ही आप किस तरह आपसे मोबाइल से स्कैन करके घर बैठे ही आप सेंड कर सकते हैं, मतलब PDF फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। मतलब ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहेंगे दोस्तों, एक लाइक तो बनता है दोस्तों काफ़ी है, मतलब इतने अच्छे अच्छे आपके फ्यूचर में काम आने वाले वीडियो तो लाते ही रहते हैं दोस्तों, तो आपका टाइम वक्त ज़ाया ना करते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी ऐप है और किस तरह से हम डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने प्ले स्टोर पर। मैं अपने प्ले स्टोर पर आ गया। प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको लिखना है SC स्कैनर बोल के एक ऐप्स है, तो आपको सिंपली टाइप करना है CAM, आपको सिंपली टाइप करना है CAM स्कैम स्कैनर। देखो फर्स्ट में जो आ गया है यही फाइल को आपको डाउनलोड करना है। ये देखिए इसका मतलब इंटरेस्ट, मतलब जो सामने वाला फ्रंट पेज होगा इस तरह से होगा, मतलब काफ़ी लोग इसको यूज करते हैं। मतलब अगर आपको पता नहीं है तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो देखिए इस तरह से स्क्रीनशॉट है इसके, तो मैंने पहले से इसको ओपन इंस्टॉल किया है तो डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ। अब इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ एंड देन ओपन। हाँ, ओपन होने के बाद देख सकते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर सिंपली आपको क्या करूँगा, मतलब मुझे एक डॉक्यूमेंट्स रख देता हूँ मैं। तो देखिए कुछ इस तरह से इफेक्ट होगा उसका, तो सिंपली से आपको कुछ करना नहीं है, इससे फ़ोटो खींचना है। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स भी नीचे इधर रख के आप सेंड कर सकते हो। से सिंपली इस तरह से मैंने क्लिक कर लिया। तो इस मतलब इस ऐप की ये खासियत है कि जो अपने आप ही जो बैकग्राउंड का जो सेटिंग होता है ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाता है दोस्तों, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैं इसे ओके कर देता हूँ, तो देखिए ये ओके हो गया। ओके होने के बाद ये इसकी एक जेरोक्स कॉपी जो बन के आई है इस तरह से आई है, मतलब आप ओरिजिनल कॉपी भी भेज सकते हैं, ओरिजिनल कुछ सही नहीं होगी। तो देखिए ऑटो बोल के है, ऑटो स्क्रीन, मतलब बहुत अच्छा इफेक्ट है। देखिए दोस्तों इस तरह से आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन या जेरॉक्स करके PDF फाइल में सेट करके ओके कर देता हूं मैं। ओके करने के बाद आपको सिंपली कुछ करना नहीं, यहां पर जो ऊपर जो PDF बोल के देकर आप PDF फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों, आप चाहे तो PDF फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको किसी भी एक सेंड करना है तो किसी भी को, तो यहाँ पर सिंपली पुश करके मतलब रखना है, अपने हाथ को बटन दबा के रखना है। तो यहाँ पर नीचे जो शेयर का ऑप्शन आ रहा है शेयर देख सकते हैं, यहाँ पर वो पूछ रहा है PDF फाइल में शेयर करना चाहते हैं या MPG में शेयर करना चाहते हैं, तो PDF फाइल में भी आप शेयर कर सकते हैं। PDF फाइल में काफ़ी अच्छा इफेक्ट जाएगा। तो यहाँ पर WhatsApp पे शेयर कर सकते हैं, Gmail, ईमेल, किसी को भी चाहे वो शेयर कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आप मतलब इसमें रीनेम एडिट भी कर सकते हैं, इसका नाम मतलब जो नाम होता है इसमें एडिट भी कर सकते हैं, अपने मतलब फोल्डर बना कर रख भी सकते हैं, अपने गूगल ड्राइव पे रख सकते हैं। आप कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपके पूरे के पूरे जितने भी आपके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसके स्कैन करके किसी को भी भेज सकते हैं। तो मतलब ईमेल आईडी से, जीमेल आईडी से, मतलब व्हाट्सएप पे किसी को भी
एक अच्छा तरह लुक जेरॉक्स कॉपी बना के मतलब उनको भेज सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मतलब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।